अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू वीकोलॉजी भारतीय शोर। इस वीडियो में हमने देखना है कि वीओ एलएमएस पर कौन कौन से मेरे एलएमएस पर न्यू अपलोड्स हैं। इसका जो है वो सेशन एक्सपायर हो गया है, वो मैं लॉगिन करके फिर आप लोगों को बताती हूँ। ओके, तो हमने लॉग इन कर लिया। अब देखते हैं जो जो अनाउंसमेंट नहीं होगी ना, हम उसे डिटेल में पढ़ लेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है इसके, इन दोनों में से भी किसी की अनाउंसमेंट नहीं है। बस यही शो हो रही है, यही मेरे ख्याल में तो नहीं है। बाकी सारे मैं डिटेल में पढ़ चुकी हूँ। यही एक रह गई क्विज नंबर 1, 2103 का क्विज नंबर 1 है। प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक्स का ठीक है कोर्स अनाउंसमेंट, इसमें क्विज नंबर 1 अनाउंस किया गया है। तो जनाब, अनाउंसमेंट ऑफ क्विज नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, क्विज नंबर 1 हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर योर कोर्स 2103। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। क्विज नंबर 1 इज 46 लेसन से लेकर 60 लेसन तक है, और ये खुलेगा 7 को और 9 दिसंबर को ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि बंद हो जाएगा। ठीक है, उस बंद होने का मतलब कि हम उसके बाद से टफ नहीं कर सकते। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में हमारे पास है, यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्विज एट एनी टाइम बट विद इन गिवन डेट्स बाय क्लिकिंग द क्विक लिंक फॉर क्विज ऑन वीयू एलएमएस एज इट विल बिकम इनेबल्ड विद इन द मेंशन डेट्स एज सून एज द टाइम विल बी ओवर। इट विल ऑटोमेटिकली बी डिसेबल्ड and will not be available to attempt it. Quiz will be based on multiple choice questions covering lessons 46 to 60. ठीक है, each question has a fixed time limit of 90 seconds, so you have to save your answer before 90 seconds, but due to unpredictable or unstable internet speed, it is strongly recommended that you save your answer within 60 seconds to avoid any inconvenience while attempting a question. Keep an eye on the remaining time. Attempting quiz is unidirectional. Once you have moved forward to the next question, you will not be able to go back to the previous one. Therefore, before moving to the next question, make sure that you have selected the best option and saved your answer. Do not press back button of your browser or refresh the page while attempting the quiz. Otherwise, you will lose the chance of attempting the current question and a new question will be loaded. Do not try to disable JavaScript in your browser, otherwise you will not be able to attempt the quiz. If for any reason you lose access to internet, like power for failure or disconnection of internet, you will be able to attempt the quiz again, but from the next question where you left in last attempt. But remember that you have to complete the question before the expiry of the deadline. If you fail to attempt the quiz in given time, then no retake. समझ आ गई हो कि आप लोगों को बिल्कुल पुराने quiz की तरह ही है। I mean के जैसे हम लोगों ने पहले quiz किए हैं वैसे ही है, वो सारी instructions वैसे ही हैं। अब हम देखे थे इसके बाद एक्टिविटी हमारी पोस्ट मेडिक की सिलेक्ट करने की आई है कि नहीं। फिलहाल पोस्ट मेड का सेशन अनाउंस नहीं हुआ, हो जाएगा तो फिर हम फौरन से अपना प्रैक्टिकल सेंटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो जो भी प्री मेड में है वो तो आजकल अटेंड कर रहे होंगे अपने प्रैक्टिकल्स, बाकी हम पोस्ट मेड वाले हैं, अभी तक हमारा सेशन अनाउंस नहीं हुआ। जैसे होगा हम लोग फौरन से सेलेक्ट कर लेंगे।
चले जी, मजे तो और कुछ नहीं आया हुआ, बस ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट वगैरह के किसी के मार्क्स भी नहीं आए, तो ये इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। खैर मेन अनाउंसमेंट पहले देख लेते जाते जाते, ये देखिए आप लोग मेन अनाउंसमेंट, नोटिस फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड बेस्ड ऑन होप सर्टिफिकेट फॉर 2022-12 कन्वोकेशन सियालकोट इज टू बी हेल्ड ऑन December 3। फाइनल नोटिस टू मेक कोर्स सिलेक्शन, ये मैंने इसकी मैंने बनाई थी, सियालकोट वाले की भी आगे मैंने बनाई थी। ये देखिए 12th कन्वोकेशन हो रही है सियालकोट में, इज टू बी हेल्ड ऑन December 3। सही, ये भी शायद मैंने बनाई है, आप लोग को बताया होगा मैंने। सही है, अगर आप पढ़ लेते हैं इसका भी। खैर 12th कन्वोकेशन इज प्लान्ड टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे December 3, 2022 एट 9 AM एट गोल्फ व्यू बैंक्वेट हॉल, अजीज पट्टी, शहीद रोड, सियालकोट कैंट। फॉर दिस इन्विटेशन लेटर्स आर बींग डिस्पैच टू ऑल रजिस्टर्ड ग्रंटियर्स, सॉरी ग्रेजुएट्स ऑफ सियालकोट इवेंट। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रिंट योर इन्विटेशन कार्ड एंड योर गेस्ट एंट्री कार्ड विच इज़ मैंडेटरी फॉर एंट्रेंस फ्रॉम द फॉलोइंग लिंक। सही है, अब जिस जिसको जाना है वो यहाँ से जाकर के इन्विटेशन कार्ड ले सकता है, ठीक है, जो जो इससे कंसर्न है। सही है, जो जो ग्रेजुएट है, मतलब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एंट्री इन टू द वेन्यू इज रिस्ट्रिक्टेड टू कार्ड होल्डर ओनली, वन कार्ड इज वैलिड फॉर वन पर्सन ओनली, यू मस्ट ब्रिंग योर ओरिजिनल CNIC विच इज मैंडेटरी फॉर एंट्रेंस एंड ब्रिंग टू कॉपीज ऑफ योर CNIC, वन ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सेकेंड फॉर डिग्री कलेक्शन इन केस यू हैव नॉट कलेक्टेड योर डिग्री अर्लियर। ये बस डिग्री वालों के लिए है, डिग्री वालों की कन्वोकेशन होती है ना डिग्री कम्प्लीट होने के बाद। गाउन और हैट हुड शैल बी अवेलेबल ऑन रेंटल बेसिस, दैट इज ₹350, एंड ऑन सबमिशन ऑफ रिफंडेबल सिक्योरिटी ₹1500। अब देखिए, अब जो गाउन पहनते हैं ना कन्वोकेशन में और हैट भी पहनते हैं, ठीक है, तो वो ये लोग जो है वो किराए पर देते हैं। सही है, और रिफंड उसका होता है 1500। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैव बीन अरेंज्ड, इफ यू अवेल देयर सर्विस प्लीज बी अवेयर दैट द कॉस्ट ऑफ दिस पिक्चर्स विल बी बोर्न बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद टू अवॉइड एनी एम्बेरसमेंट प्लीज डू नॉट ब्रिंग योर चिल्ड्रन, इन केस ऑफ एनी क्वेरी स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्टेड। अब आपको कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड, आप इस नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है। सही है, सही है, और इसके अलावा ये वाली अनाउंसमेंट है, नोटिस फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड एडमिटेड बेस्ड ऑन होप सर्टिफिकेट फॉर अपलोडिंग एंड सबमिशन ऑफ ऑफिशियल इंटरमीडिएट रिजल्ट कार्ड बाय द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन होप सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ होप सर्टिफिकेट ड्यू टू इंटरमीडिएट रिजल्ट्स अवेटिंग। अच्छा, जिन जिन लोग का अभी रिजल्ट नहीं आया ना इंटरमीडिएट का, उनके बारे में बात हो रही, जो उन्होंने होप सर्टिफिकेट पर दिया था लिया था एडमिशन, आर हेयरबाय डायरेक्टेड टू अपलोड बाय यूजिंग LMS स्टूडेंट सर्विसेज रजिस्ट्रार्स ऑफिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होप सर्टिफिकेट लिंक एंड सबमिट 3 कंप्लीट क्लियर एंड रीडेबल अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द ऑफिशियल इंटरमीडिएट रिजल्ट कार्ड और बिफोर मंडे December 5, 2022। देख लें आप लोग, ये लास्ट डेट है इसकी अपलोड करने की, December 5, ठीक है। फॉर वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन आफ्टर अपलोडिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द ऑफिशियल इंटरमीडिएट द एप्लीकेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट अटेस्टेड हार्ड कॉपीज ऑफ द ऑफिशियल इंटरमीडिएट रिजल्ट कार्ड विद इन द ड्यू डेट। डॉक्यूमेंट्स मे बी सबमिटेड बाय हैंड और वाया कुरियर एज मैंशन बिलो एज पर द कन्वीनियंस, ठीक है। आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ हार्ड कॉपी भी सबमिट करानी है,
ठीक है, उसके बाद फिर कैंपस बेस्ड स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू सबमिट 3 टेस्ट कॉपीज ऑफ द ऑफिशियल इंटरमीडिएट रिजल्ट कार्ड एट देयर रिस्पेक्टिव सिलेक्टेड पीवीसी और विर्चुअल कैंपस। ठीक है, उसके बाद होम बेस्ड और ओवरसीज स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू कुरियर और पोस्ट 3 टेस्ट कॉपीज ऑफ ऑफिशियल इंटरमीडिएट कार्ड रजिस्ट्रार्स ऑफिस यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एम ए जिन्ना कैंपस डिफेंस रोड ऑफ राविंड रोड लाहौर। ठीक है, पाकिस्तान। सो यह मेरा होम बेस है। आप लोग जैसे कि मैंने होम बेस सेलेक्ट किया हुआ है, मेरा तो खैर से थर्ड सेमेस्टर है, तो आप लोगों का जिसका फर्स्ट सेमेस्टर अभी अभी एडमिशन लिया ना और रिजल्ट कार्ड की कॉपी नहीं को सबमिट करवाई, वो जल्दी से जल्दी इस पते पर भेज दें। इसका अपना रिस्पेक्टिव जो होम बेस है वो जो कैंपस है जो होम बेस है वो लोग इस पते पर भेजेंगे और जो कैंपस वाले हैं ना वो लोग अपने कैंपस में जाकर सबमिट कराएंगे। ठीक है, सो आगे है दिन नोट। प्लीज़ राइट एडमिशन फॉर्म नंबर और स्टूडेंट आईडी नंबर एंड स्टडी प्रोग्राम ऑन ईच डॉक्यूमेंट। एडमिशन विल बी मार्क्ड कैंसल विदाउट एनी फर्दर नोटिस फॉर दोज हु फेल्ड अपलोड एंड सबमिट द ऑफिशियल इंटरमीडिएट रिजल्ट कार्ड इन प्लेस ऑफ द होप सर्टिफिकेट विद इन द अबव मेंशन डेट। सुन लिया आप लोगों ने? आप जल्दी करें, जल्द से जल्द, थोड़े से दिन रह गए हैं। आज वैसे भी 4 है, कल 5 है। आप लोग ये देख लें, डेट 4 दिसंबर है आज, कल 5 है। जिसने अब तक नहीं भी किया ना वो भी कर ले। ठीक है, इफ़ एनी एप्लीकेंट्स हैव फेल टू ऑब्टेन एटलीस्ट 45% मार्क्स और 50% मार्क्स फॉर कंप्यूटर साइंसेस प्रोग्राम्स इन फॉर्म फॉर कैंसलेशन ऑफ एप्लीकेशन टू द रेलेवेंट एडमिशन सेक्शन और पीवीसी और वर्चुअल कैंपस सो दैट एडमिशन फॉर्मेलिटीज में बी कम्प्लीट, अदरवाइज यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसफॉर्च्यून। ठीक है, तो रजिस्ट्रार ऑफ विर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान एम ए जिन्ना कैंपस डिफेंस रोड ऑफ राइवन लाहौर। अच्छा, तो ये जो सारा है ना आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, जल्द से जल्द कर लें, जिस जिसने करना है, जिसका प्रॉब्लम है ये वाला, ठीक है, वो फ़ौरन से कर लें ताकि मजीद मसले से बच जाए। ठीक है, करना क्या है आपको? बस अपने कॉपियाँ बनानी है, उनको टेस्ट करवाना है। ठीक है, अपना रिजल्ट कार्ड की सही और टेस्ट करवा के इस पते पर भेज देना अगर आप लोग वो है होम बेस्ड है। ठीक है, मतलब घर पर बैठे पढ़े हैं, फिर प्रैक्टिकल के लिए आपको जाना पड़ता है, तो वो लोग होम बेस्ड हैं जो कैंपस रेगुलर जाते हैं और जाकर पढ़ते हैं। उन लोगों के लिए जो है ना बात ये है कि वो लोग कैंपस में जाकर जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग करवा लें जल्दी से, बहुत ही सिंपल काम है, अपना डॉक्यूमेंटेशन जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए और ध्यान से करनी चाहिए। ठीक है, सही है, फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर आप लोग दें मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।